खबर उत्तराखंड के हल्द्वानी से है, जहां शहर के डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय में तैनात आउटसोर्स नर्सिंग स्टाफ जिन्हें कोरोना वॉरियर्स घोषित किया गया है, अब वे अपनी 4 माह के बकाए वेतन के लिए कार्य बहिष्कार पर उतर आए हैं। शुक्रवार को नर्सिंग स्टाफ कामचोड़ परिसर में एकत्रित हुआ और सरकार और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान नर्सों ने कहा कि उन्हें पिछले 4 माह से वेतन नहीं मिला है। कोरोना काल में उन्होंने अपनी उस वक्त सेवाएं दी, साथ ही अस्पताल प्रबंधन उन्हें धमका रहा है कि यदि काम नहीं करना चाहते हैं तो नौकरी छोड़ दो। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। 2020 में जो पोस्टें आई थी कोविड के दौरान, उसमें हमें रखा गया है। उसके बाद हमने इतने, जब लोग नौकरी छोड़ छोड़ के जा रहे थे, तब हम लोगों ने यहाँ पे काम किया है, लेकिन आज इन्होंने 4 महीने से हमारी सैलरी नहीं दी है। सर ने हमसे ये बोला है कि आपका सैलरी की बात हो रही है, जब भी उनके पास आते हैं वो यही बताते हैं कि काम हो रहा है। हम मानते हैं कि काम हो रहा है, पर सर हमें ना दिक्कत अब हो रही है। TDS के थ्रू ये सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। सर, मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि इन लोगों ने हमारी 3 महीने की सैलरी रोक दी गई है। देखिए, जो है ना, AVSM के माध्यम से कुछ नर्सेज यहाँ रखी गई थी, जब कोविड काल के रखी गई थी, अच्छा काम किया उन्होंने, करा हुआ था, लेकिन AVSM एजेंसी जो थी, उससे गवर्नमेंट से जो कॉन्ट्रैक्ट था, आउटसोर्स एजेंसी थी, वो 31 मार्च को ख़त्म हो गया था।